नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और मैं हूं आपके साथ अंशिका सिंह। इसे कांग्रेस की गुटबाजी कहें या फिर किसी की साजिश, या कहें कि सब सच है, कारण चाहे जो भी हो, लेकिन जिला कांग्रेस कमेटी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। शहर अध्यक्ष लखनलाल खंडेलवाल को हटाए जाने के लिए पहले एक फर्जी लेटर वायरल किया गया, जिसे सोशल मीडिया के माध्यम से सभी जगह पहुंचाया गया। यह मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि एक बार फिर शहर कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर जंग छिड़ गई है। अब देखने में आया है कि शनिवार की शाम रीवा शहर के कुछ चौराहों पर पूर्व शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू को वर्तमान शहर कांग्रेस अध्यक्ष बताते हुए पोस्टर चस्पा किया गया है, जिसके बाद अब लोग यह नहीं समझ पा रहे हैं कि असली शहर कांग्रेस अध्यक्ष कौन है, लखनलाल खंडेलवाल या फिर गुरमीत सिंह मंगू। फर्जी लेटर के बाद पोस्टर वॉर की सच्चाई क्या है, यह तो एक बड़ा जांच का विषय है, पर यह सब कांग्रेस के लिए अच्छा नहीं है। पहले से ही बैकफुट में खड़ी नजर आ रही कांग्रेस को अब उसके कार्यकर्ता ही लोगों की नजरों में गिराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। पहले गुरमीत सिंह मंगू, उसके बाद अभय मिश्रा का निजी प्रचार रीवा से लेकर भोपाल तक चर्चाओं में रहा। इसी बीच शहर कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर फर्जी लेटर का वायरल होना अब शहर के चौराहों में गुरमीत सिंह मंगू को शहर अध्यक्ष बताते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ का पोस्टर लगाया जाना सब समझ के परे है। हालांकि इस पूरे मामले में कांग्रेस के किसी भी पदाधिकारी ने अपना मुंह खोलने से इनकार कर दिया है। गुटबाजी का अगर यही दौर निरंतर जारी रहा तो रीवा जिले में कांग्रेस विधानसभा में फतह हासिल कर पाएगी, ऐसा सोचना भी गलत है, क्योंकि अब कांग्रेस के कुछ कारिंदे ही अपनी कारीगरी दिखाना शुरू कर दिए हैं, जिन्हें कहीं न कहीं शहर कांग्रेस अध्यक्ष पद की लालसा है और विधानसभा टिकट पाने का सपना देख रहे हैं। ऐसे लोग कौन हैं? इन्हें चिन्हित करने का भी काम गोपनीय तौर पर कांग्रेस पार्टी द्वारा किया जा रहा है।